दिल्ली सरकार नई सोलर नीति लागू करने जा रही है। अब दिल्ली सोलर ऊर्जा का भी बेहतर उपयोग करने के लिए तैयार है। इसके तहत अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने वाले लोगों को फ्री बिजली मुहैया कराने की सरकार तैयारी कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोलर नीति 2024 के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत उद्योग धंधे चलाने वाले लोगों को भी फायदा होगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज हमने दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 का ऐलान किया। इसमें कई जनहितकारी प्रावधान हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसका इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो हो जाएगा और 700 से 900 रुपये प्रति माह आमदनी होगी। वहीं कमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिजली बिल आधे हो जाएंगे। साल 2024 की पॉलिसी में जो लोग घरों पर सोलर पैनल लगाएंगे उन सभी लोगों का बिजली का बिल फ्री किया जाएगा, चाहे जितनी भी बिजली इस्तेमाल करें। वहीं दिल्ली में देश भर में सबसे कम महंगाई दर है। इस पॉलिसी से महंगाई दर और कम हो जाएगी। जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनका सारा पैसा 4 साल में रिकवर हो जाएगा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को बताया कि सरकार ने नई सोलर पॉलिसी जारी की है। इससे पहले इसी से संबंधित 2016 में एक पॉलिसी जारी की गई थी। इसे देश में सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी माना गया। लोगों ने अपने घरों पर 250 मेगावाट सोलर पावर लगाया। कुल 1500 मेगावाट सोलर पावर लगाए गए हैं। दिल्ली से संवाददाता शुभ सेठ की रिपोर्ट। जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उसके एक साल बाद 2016 में हम लोगों ने सोलर पॉलिसी जारी की थी। उसका नाम था सोलर पॉलिसी 2016। उस वक्त से तब से लेके आज तक ये सोलर पॉलिसी जो 2016 में उन्होंने पास की थी, इसे पूरे देश में सभी राज्यों को मिला के सबसे प्रोग्रेसिव सोलर पॉलिसी माना गया। और एक तरह से इसने दिल्ली के अंदर सोलर पावर की बुनियाद रखी है। सोलर पॉलिसी 2016 के तहत रूफटॉप्स के ऊपर जो इंडिविजुअल लोगों ने अपने अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल लगवाए, उससे लगभग 250 मेगावाट क्षमता इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तैयार हुई है। 250 मेगावाट के सोलर पैनल लोगों ने लगवाए हैं अपने अपने घरों के ऊपर। इसके अलावा 1250 मेगावाट सोलर पावर डिस्कॉम्स ने बाहर से खरीदी है इसी पॉलिसी के तहत। 250 मेगावाट तो लोगों ने इंडिविजुअली अपने अपने घरों के ऊपर लगाए, और इस पॉलिसी के अंदर 1250 मेगावाट डिस्कॉम्स ने बाहर से सोलर पावर खरीदी, तो लगभग 1500 मेगावाट सोलर पावर उस पॉलिसी के तहत इंस्टॉल हुई है दिल्ली के अंदर। तो अब 2024 में जो हमने सोलर पॉलिसी बनाई है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होने वाली है, दिल्ली में आपको जानते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, तो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिजली का बिल जीरो आता है। 201 से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिजली का बिल आधा आता है, 50%, और 400 यूनिट से ऊपर वालों का पूरा बिल आता है। तो 201 से 400 वालों पार्टली सब्सिडाइज है और 400 के ऊपर बिल्कुल सब्सिडी नहीं मिलती। इस सोलर पॉलिसी के तहत जो जो लोग अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे उनका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। 201 से 400 वालों का भी जीरो हो जाएगा और 400 के ऊपर वालों का भी बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। तो जितने लोग इस पॉलिसी को लागू होने के बाद दिल्ली के सारे रेजिडेंशियल लोगों का बिजली का बिल जीरो हो जाएगा, चाहे आप 2000 यूनिट इस्तेमाल करो, चाहे 1000 यूनिट इस्तेमाल करो, चाहे 800 यूनिट इस्तेमाल करो। ये सबसे बड़ा इस पॉलिसी का टेक अवे है। दूसरी चीज, जो जो इसको लगाएगा अपने घर के ऊपर, इस पॉलिसी को इस्तेमाल करेगा रेजिडेंशियल सेक्टर में, उसको एडिशनल इनकम होगी 700 से 900 रुपए प्रति व्यक्ति। इसकी इसमें आपने अपने घर पे रूफटॉप पे रेजिडेंशियल रूफटॉप पे
सोलर पैनल लगाया, एक तो आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा और हर महीने 700 से 900 रुपए आपकी इनकम जनरेशन चालू होगी।